It's not more and more. It's basically, I feel, a few of them who have been lured into this. तो जब एक दफ़ा कोई चाहे वो पुलिस वाला हो या चाहे वो कोई आम आदमी हो, जब इस तरफ जाएगा ही बिकम्स अ क्रिमिनल. सो चाहे वो पुलिस वाला हो या चाहे वो दूसरा कोई मिलिटेंट हो जो सिविल आदमी से मिलिटेंट बन गया, उसके लिए द ट्रीटमेंट इज सिंपल, वो उसके लिए है. सो इसमें मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई अलग अलग फ़र्क है. ही इज़ ए मिलिटेंट, ही इज़ ए मिलिटेंट, दैट्स ऑल. ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है. आप जानते हैं जो बारामूला सेक्टर है, जब हम बात करें बारामूला सेक्टर की, तो ये हमेशा ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट के यहाँ पे रहे, आज से नहीं, शुरू से ही. तो जहाँ तक इन्हांस्ड इन्फिल्ट्रेशन का ताल्लुक है, हमारे पास ऐसी कोई अभी इतनी ज़्यादा खबर नहीं, लेकिन ये खबर है कि अटैम्प्ट होंगी इन्फिल्ट्रेशन की. लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जो हमारी आर्मी है उधर LC के ऊपर, वो पूरी तैयार है इस चीज़ को फेस करने के लिए, एंड दे हैव बीन फेसिंग इट. आपने देखा होगा अभी परसों ही नौगाम सेक्टर में जो इन्फिल्ट्रेशन हुई, उसमें कोई शक नहीं कि हमारे अपने 3 जवान उसमें शहीद हुए, लेकिन मिलिटेंट्स का जो इन्फिल्ट्रेशन था वो रोक दिया गया और 4 मिलिटेंट वहाँ पर मारे गए. सिमिलरली कई और जगह भी अटैम्प्ट हुई इन्फिल्ट्रेशन की, शायद आपने सुना या ना सुना हो, इसी सेक्टर में कई और सेक्टर्स में जो कुपवाड़ा बारामूला के, लेकिन वहाँ में आर्मी ने बड़ा सक्सेसफुली उनको वापस भगा दिया. तो वो फेल कर दी उनके अटेम्प्ट्स अराउंड 90 व्हाट माय DIG सेज, बिकॉज अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन किया, सो आई टेक हिज वर्ड एज ऑथेंटिक, 90 के करीब.